हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं अजंता फार्मा लिमिटेड की। आज कंपनी का रिजल्ट आया हुआ है, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। इन एडिशन टू दैट कंपनी ने एक बायबैक भी अनाउंसमेंट किया है। सो हम वन बाय वन ये न्यूज़ की पूरी डिटेल देखने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो आज के दिन अजंता फार्मा का क्लोजिंग 1610 रुपीज क्लोज आया हुआ है। कंपनी का पूरा मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है। सालाना उसका ईपीएस 50 रुपीस के करीब दिखने को मिलता है। लास्ट क्वार्टर की हम बात करते हैं तो 560 मिलियन का उसका रेवेन्यू रहा था और ईपीएस हम बोलते हैं तो 13 रुपीस का ईपीएस यहाँ दिखने को मिला है। सो अब हम बात करते हैं उसकी वन बाय वन टॉपिक की। तो पहले हम देख सकते हैं कि आज के दिन कंपनी ने 9.50 यानी 9.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। उसकी रिकॉर्ड डेट है 13 नवंबर 2020, यानी आने वाले फ्राइडे के बाद, जो फ्राइडे आने वाला है, आज 3 नवंबर है, 13 नवंबर के दिन उसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। अब हम बात करते हैं बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने टोटल 7,35,000 शेयर्स का बायबैक अनाउंसमेंट किया हुआ है। सो जिन शेयर होल्डर के पास अजंता फार्मा का शेयर है उसके लिए एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी के रूप में हम बोल सकते हैं। टोटल बायबैक साइज 136 करोड़ की है और बायबैक आया है 1,850 रुपीज पर शेयर पे। आज के दिन रेट चल रहा है 1610 रुपये का। सो हम बोल सकते हैं कि बायबैक का रेट 15% प्रीमियम पे कंपनी की ओर से दिखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कंपनी का आज के दिन जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ उसकी की नोट्स कंपनी की ओर से देखने को मिल रही है। यहाँ देख सकते हो इंडिविजुअल के पास 8% अराउंड होल्डिंग दिखने को मिल रही है। क्योंकि बायबैक अभी स्मॉल दिखने को मिल रहा है, सो बीइंग अ शेयर होल्डर हमारे लिए एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी हम बोल सकते हैं कि बायबैक साइज बहुत छोटा है कंपेयर टू द कंपनीज मार्केट कैप। इसीलिए नई पोजीशन के लिए ये बायबैक के लिए शेयर परचेस करना उचित नहीं है। अब हम देखते हैं रिजल्ट की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी की ओर से परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2021 का रेवेन्यू 11% इंक्रीज होता हुआ दिखने को मिल रहा है। ईबीआईटीडीए में 38% का 54% का इंक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम बोलते हैं 46% उसमें भी इंक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है। सो यहाँ आप इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया का सेल्स की, तो 1% इंडिया सेल्स डाउन हुआ है। यहाँ इमर्जिंग मार्केट में देख सकते हो ऑलमोस्ट 36% का ग्रोथ अफ्रीकन ब्रांडेड जेनरिक में दिखने को मिल रहा है। वही एशियन ब्रांडेड में 1% का डी ग्रोथ दिखने को मिलता है। सो यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग पूरा कंबाइंड उसका एक एक सेक्टर वाइज एलोकेशन रीजन वाइज दिया गया है। अब हम डायरेक्टली उसका स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट में देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो उसका रेवेन्यू 650 करोड़ का था, वो इंक्रीज होते हुए 716 करोड़, ऑलमोस्ट 20% की इंक्रीमेंट दिखने को मिली है। अब हम बात करते हैं उसका फाइनेंस कॉस्ट की, तो यहाँ आप देख सकते हो 5 करोड़ के सामने ऑलमोस्ट 1.5 सीआर का फाइनेंस कॉस्ट दिखने को मिल रहा है। इन्वेंटरी का भी आज की डेट में हम बात करते हैं, प्लस की इन्वेंटरी आज की डेट में माइनस में दिखने को मिल रही है। सो सबको हम मिला के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ 116 करोड़ के सामने 170 करोड़ का प्रॉफिट हमको दिखने को मिल रहा है। अब हम ईपीएस की बात करते हैं तो 13.34 रुपीस का ईपीएस लास्ट सितंबर क्वार्टर में दिखने को मिला था, उसी को लेकर इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 20 रुपीज का ईपीएस आज की डेट में दिखने को मिल रहा है। सो हम क्वार्टर वाइज रिजल्ट देखते हैं तो एक बहुत शानदार रिजल्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि फार्मा कंपनी को कोविड को लेकर एक बहुत बड़ा बेनिफिट अलग अलग माध्यम से दिखने को मिला है। यहाँ आप पूरा प्रेजेंटेशन भी देख सकते हो, लास्ट 5 ईयर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो। ईपीएस के बारे में, कंपनी का ईपीएस कॉन्स्टेंटली 50 के नियर दिखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट की हम बात करते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट 25% अराउंड डिविडेंड लास्ट 5 ईयर्स से
पे कर रही है। बुक वैल्यू भी आप देख सकते हो, 135 की बुक वैल्यू आज 334 की दिखने को मिल रही है। डिविडेंड पर शेयर 13 रुपीज का डिविडेंड कंपनी की ओर से दिखने को मिल रहा है। ईबीआईटी का मार्जिन की हम बात करते हैं तो इस साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 36% का मार्जिन दिखने को मिल रहा है। नेट मार्जिन 23% का दिख रहा है। आरओसीई और आरओएनडब्ल्यू यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 25% के करीब दिखने को मिल रहा है। सो यहाँ आप पूरा लास्ट 5 ईयर का टेक रिकॉर्ड देख सकते हो, जिसको लेकर आप यहाँ एक अच्छा मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो भी देख सकते हो। यहाँ कंपनी डेट फ्री दिखने को मिल रही है। रिसीवेबल का डेट हम देखते हैं तो 102 डेज की उसकी साइकिल है। पेएबल 106, सो यहाँ आप देख सकते हो दोनों मतलब सेम टाइम पे चल रहे हैं। इन्वेंटरी का डेज भी आप देख सकते हो 85 डेज दिखने को मिल रहा है। सो यहाँ आपके सामने पूरा 5 ईयर्स व्यू कंपनी ने कंबाइंड मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में दिखने को मिल रहा है। सो आप बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ द अजंता फार्मा लिमिटेड, आपके पास आज के दिन अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल रहा है। कंपनी ओर से इंटरिम डिविडेंड 9.50 का डिक्लेयर होता हुआ दिखने को मिल रहा है और उसके अलावा 136 करोड़ का बायबैक साइज कंपनी ने 1850 यानी 15% प्रीमियम पे कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ है। सो आप अजंता फार्मा लिमिटेड का शेयर होल्डर हो तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बट आज के दिन इस वीडियो के जरिए आपके पास अजंता फार्मा लिमिटेड का शेयर नहीं है तो आप इस काउंटर में नई पोजीशन अभी बनाना कोई उचित बात नहीं है, क्योंकि बायबैक साइज भी बहुत छोटा है, जिसको लेकर हमारे पास और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जहां हम निवेश कर सकते हैं। बस आज के दिन जिन शेयर होल्डर के पास अजंता फार्मा लिमिटेड का शेयर पड़ा है उसके लिए एक अच्छी बड़ी खबर हम बोल सकते हैं। इसी के साथ हम आज की अपडेट समाप्त करते हैं।